गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के लिए न्यूटन्स लॉ के जो मोशंस के क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, पुली लगी हुई है जिस पर हमारे दो मासेस हैं 12 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, ठीक है, और दोनों स्टेबल रहेंगे नहीं क्योंकि एक का मास ज़्यादा है। तो 12 किलोग्राम वाला मास डाउनवर्ड जाएगा, मान लें ए एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जाएगा वो भी ए एक्सेलरेशन जाएगा। इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी में हम बता चुके हैं आपको, आप वीडियो देख सकते हैं उसकी। देखिए मास m1 है तो इसका टेंशन हमेशा ऊपर रहेगा, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और इसका भी टेंशन ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे फार्मूला, देखिए ये वाली बॉडी नीचे जाएगी डाउनवर्ड और ये बॉडी ऊपर जाएगी अपवर्ड। तो जब डाउनवर्ड वाला जाएगा तो m1 माइनस m1g, नीस का वेट क्या होगा m1g, और टेंशन ऊपर की तरफ है तो माइनस टी, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो m1, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले को देखें अगर हम, तो यहां पर रख सकते हैं p, टेंशन इसको ऊपर ले जा रहा है, इसके वेट को ऊपर ले जा रहा है जो इसको a एक्सेलरेशन से ऊपर खींच रहा है। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से m1 माइनस m2 ब्रैकेट में g a m1 प्लस m2। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका अगर वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज पुट कर दें, अगर हम g की वैल्यू 9.8 लें, m1 12 ले लें, ये 8 ले लें, ये 9.8 ले लें, डिवाइड बाय 12 प्लस 8, तो इसका आंसर बच्चों लगभग 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। सॉल्व किया गया है 1.96 के अबाउट आएगा, ठीक है। यही एक्सीलरेशन अगर हम किसी एक उसमें रख दें, मान लीजिए इक्वेशन 2 में रख दिया, तो ये हमारा जो है t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल t माइनस m2 g m2 a, a की वैल्यू उठा करके अगर हम यहां रखते हैं तो सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो उसका जो है आंसर जो आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, a की वैल्यू सीधे रख सकते हैं 1.96, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 94 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। लेकिन एक तीसरी चीज पूछता है कि अगर ये 12 किलोग्राम वाला मास डाउनवर्ड जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो बताइए 0.3 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या थ्रेड जो है क्या डिस्टेंस जो है इसको नीचे ले जाएगी। तो देखिए सिंपल है फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी को नहीं यहां लेंगे, यहां ए लेंगे, ए टी स्क्वायर। तो देखिए यू तो हम इसको जीरो मान लें, इनिशियली जो है जीरो स्टार्टिंग रही होगी, ठीक है, तो हमारा ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.96, और टी जो है 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.3 का होल स्क्वायर यहाँ पर। अब एस की वैल्यू जो लगभग आती है वो अबाउट 8.8 आ जाएगी, है ना, ये तो सॉल्व कर लेंगे इसको, इतना कोई सॉल्व करने का टफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तीन पार्ट में डिवाइडेड था, एक्सेलरेशन पता करना था, टेंशन पता करना था, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हैवियर मास पता करना था। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। गुड बाय बच्चों।